नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त आप सभी के लिए एक नई औषधि लेकर के, एक नया नुस्खा लेकर के। हमारा भारत का पर्यावरण ऐसा है कि टैन होना एक सामान्य समस्या है। हमारी स्किन टैन हो जाती है, फिर इससे निजात कैसे पाएं और अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कैसे बनाए रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक हो जाती है लगभग हर किसी के लाइफ में। और सुंदरता का फ़र्क पड़ता भी है। अगर आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपका मन भी तरोताज़ा रहता है, आप जिस कार्य को करना चाहते हैं दिल से कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपका माइंड खुद पर ही लगा होता है कि मेरे फेस पे पिंपल्स हैं तो मेरे स्किन पे टैनिंग है, मेरा कलर सही नहीं है, मेरी स्किन में ग्लो नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आज हम एक देशी औषधि लेकर के आए हैं। हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल्स पे जितनी भी रेमेडीज आएँ वो हमारे घर से उपलब्ध, यानी कि विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स वाली, सही ढंग से अगर यूज करें तो सही काम करने वाली और बिल्कुल नेचुरल हों। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा के संबंध में। एलोवेरा देखने में अवश्य ही अजीब पौधा लगता है, लेकिन इसके गुणों का कहीं कोई अंत नहीं है। ये बवासीर, डायबिटीज, गर्भाशय के रोग, पेट की खराबी, जोड़ों का दर्द, त्वचा की खराबी, मुहासे, रूखी त्वचा, धूप से झुलसी हुई त्वचा, झुर्रियों, चेहरे के दाग धब्बों, आँखों के काले घेरों, फटी एड़ियों के लिए लाभप्रद है। दूसरी तरफ ये खून को भी साफ़ करता है, और खून साफ़ रहेगा तो आपकी स्किन जो है वो खुद ब खुद ग्लोइंग रहेगी। लेकिन आज जो हम औषधि बताने वाले हैं, वैसे तो हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बताया हुआ है, एलोवेरा के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। आप हमारे ही चैनल का दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि एलोवेरा के गुणों से हमने वाकिफ कराया है। पर ये आज का जो टॉपिक है वो खास करके स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए है। इसके लिए क्या करना होगा, आप एक एलोवेरा लाइए, एलोवेरा की कोई भी टुकड़ा लाइए छोटा सा, उसके साइड्स के जो कटीले भाग होते हैं उनको उतार दीजिए चाकू की सहायता से, फिर बीच से उसको काट लीजिए। उसके बीच में जेल होता है दोस्तों, उसे आपको निकाल लेना है पूरा, उसके अंदर की क्रीम को पूरा निकाल लेना है। और उसको जब आप एक कटोरी में निकाल लेते हैं, कोशिश करें कि आप कांच के बर्तन में निकालें, उसमें आपको गुलाब जल डालना है पूरा, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद प्रोसेस आता है, आप अपने फेस की क्लींजिंग करें। अपने फेस की क्लींजिंग कैसे करें, तो सबसे पहले बॉयल कीजिए पानी, पानी जब उबलने लगे उसमें एक तौलिया डालिए, तौलिए को निचोड़िए बाहर निकाल करके, उसे फेस पर डाल करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब स्किन आपकी स्वेट से आप फील होने लगेगा फेस पर, उसको हटाएं, फिर उसी तौलिए से स्किन को पोंछ दें। इससे क्या होगा, रोम छिद्र आपके खुल जाएंगे, उनमें अगर जो भी मैल मिट्टी जमा होती है, पूरे दिन हम लोग चलते हैं तो पोल्यूशन इतना है कि मिट्टी हमारे फेस पर जमा हो जाती है, वो हट जाएगी स्किन से। इसके बाद जब ये आप एलोवेरा की क्रीम और गुलाब जल का मिश्रण जो आपने बना रखा है इसको फेस पर अप्लाई करेंगे आप, तो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा ये, क्योंकि ये अपना 100% वर्क आपके फेस पर कर पाएगी इजीली। अगर इस लेप का आप सप्ताह में एक दिन भी इस्तेमाल करते हैं तो आप टैनिंग की समस्या से बच जाएंगे, आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहेगी। हाँ, ध्यान रखें कि हम अभी तो फेस के लिए बताएं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी स्किन पे कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी बॉडी में। बस ये ध्यान रखें कि आँखों में ना जाए, बाकी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये स्किन को स्मूथ बनाएगा। एलोवेरा जेल जो होता है उसमें मॉइस्चराइजिंग गुण होता है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखेगी, आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखेगी। तो ये था आज का हमारा वॉइस ओवर आप सभी के लिए, हेल्दी स्किन के लिए एलोवेरा और गुलाब जल के सहायता से। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।